अरे घूट में स्वैग है, सबसे पहले तो यार आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लगभग एक हफ्ते से वीडियोस नहीं आ पा रहा था, क्योंकि यार ये है कॉलेज लाइफ, कॉलेज सजदा मेरा तो। लेकिन अब आपको रोजाना वीडियो देखने को मिलेगा, ये मेरा अब प्रयास रहेगा। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। पबजी आज पूरी दुनिया में सभी लोगों को दिलों में, धड़कनों में, प्यार में, मोहब्बत में और पता नहीं कहां कहां ये पबजी गेम उनके दिलों में जाकर बैठ गया है। तो कहते हैं ना यार कि ये जो पबजी गेम है सभी लोग इसको खेलना पसंद करते हैं, देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज का उपयोग करते हैं, यानी अच्छे पहलू का उपयोग करें या बेकार पहलू का उपयोग करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरह ये पबजी गेम है। अब देखो यार, बहुत सारे लोग होते हैं कि पबजी गेम खेलते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है, और कुछ लोग होते हैं कि पबजी गेम को खेलते हैं तो उनके लिए बेकार हो जाता है। तो कैसे, आज इस वीडियो में मैं आपको पबजी गेम से होने वाले कुछ फायदे के बारे में बताऊंगा, और इसका एक नेक्स्ट पार्ट वो भी आएगा, उसमें आपको पबजी गेम खेलने से क्या क्या नुकसान होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं पबजी गेम से होने वाले फायदे के बारे में बताऊंगा। अगर आप भी उन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अब लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में पबजी मोबाइल होता क्या है। दोस्तों पबजी मोबाइल एक तरह का वर्चुअल वीडियो गेम है जिसे हम सभी लोग अपने कंप्यूटर और अपने स्मार्टफोन पर काफी ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, और इस गेम का पूरा नाम है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, और इस गेम को बनाने वाली कंपनी का नाम है टेंसेंट कंपनी, जो कि ये गेम इस गेम को बनाने वाले का नाम है मिस्टर ब्रेंडन ग्रीन, जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं। और दोस्तों सबसे पहले इस गेम को कंप्यूटर पर खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन सन 2018 में इसको प्ले स्टोर पर डाल दिया गया, जहां से जो भी पबजी यूजर्स हैं उस गेम को वहां से यानी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन में खेल सकते हैं। यानी कि सबसे पहले इसको कंप्यूटर पर खेलने के लिए बनाया गया, और बाद में इसको कंप्यूटर और स्मार्टफोन दोनों जगहों पर खेलने के लिए बना दिया गया। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गेम को प्ले स्टोर पर 100 मिलियन प्लस बार डाउनलोड किया जा चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर में पबजी गेम खेलने से क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों सबसे पहला फायदा यहाँ पर है मनोरंजन। कहने का मतलब, अगर आप अपने लाइफ में ऐसे फालतू के बैठे हैं, किसी काम के नहीं, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, अगर आप ऐसे खाली बैठे हैं तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। वो कैसे, अगर आप कैसे खाली बैठे हैं तो आप इस गेम को खेल लीजिए, और जैसे ही आप इस गेम को खेलेंगे यानी 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के बाद, उसमें उसके बाद आपको इसमें इतना ज्यादा मजा आने लगेगा कि इससे कुछ देर के लिए आपका जो टाइम है वो काफी देर के लिए पास हो जाएगा। तो काफी अच्छी बात यह है। दोस्तों अगला फायदा ये है कि अगर आप अपने लाइफ में कभी किसी समस्या में है, किसी तनाव में है, किसी माइंड से आप बोर हो चुके हैं, तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं, अगर आप इस गेम को खेलेंगे तो आपका जो है टाइम है पास हो जाएगा, और आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, काफी कुछ टाइम के लिए आपका जो माइंड है काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए कैसे, जो ये गेम है पबजी गेम, इसमें कुछ ऐसे ग्राफिक्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर क्या कहते हैं कि गेम के अंदर कुछ ऐसा माहौल दिया गया है जिसकी मदद से आप अपना टाइम कुछ देर के लिए बिता सकते हैं, कुछ देर के लिए आपका जो माइंड का तनाव है कुछ देर के लिए खत्म हो जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है अगर आप पबजी गेम को खेलते हैं। तो अगला फायदा इसमें ये है कि अगर आप इस गेम को खेलना पसंद करते हैं तो इस गेम की वजह से आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, क्योंकि इस गेम में आपको 3 से 4 प्लेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए यानी इस पबजी गेम के जरिए आप अपना नया नया दोस्त बना सकते हैं। तो काफी ज्यादा फायदा है इस गेम को खेलने से। दोस्तों अगला फायदा इसमें यह है कि अगर आप इस गेम को खेलना पसंद करते हैं तो इसमें आपको एकता की भावना प्रकट होती है, यानी कि एक मजबूत भावना प्रकट होती है। वो कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप इस गेम को खेलते हैं तो इसमें आपको 3 से 4 प्लेयर की जरूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें जब आप 3 से 4 लोग एक साथ खेलते हैं तो इसमें आपको एक एकता की भावना आती है, और आप एक दूसरे से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, एक मिशन पर जाते हैं, एक मिशन को अंजाम देते हैं, एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मन को मारते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा एकता की भावना होती है, और काफी ज्यादा इस
गेम को खेलने से हम सभी लोगों को फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों बस यार आज की इस वीडियो में यही इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी रोजाना वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसका आज दूसरा पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पबजी गेम खेलने से क्या क्या नुकसान होता है। दोस्तों आज की वीडियो में यही इतना ही। अरे घूट में स्वैग है।